हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी रानी में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, गुलाम वंश, सल्तनत काल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन, जिसमें उसके बाद सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। इतना आज हम पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 13 अगस्त को एग्ज़ाम है, फ्राइडे को। एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था। यह आक्रमण दाहिर सिंध का राजा के शासनकाल में हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अलप्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक का दामाद सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था, जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया आक्रमण गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। भीम प्रथम उस समय गुजरात का शासक था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गजनवी ने। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। अब बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया तथा 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192। तो 1191 में का जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें तो मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था। कौन? तो मोहम्मद गौरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ ठीक एक साल के बाद 1192 ईस्वी में, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद्र को पराजित किया। गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, जिसमें हम 5 वंश को पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। हम वही पॉइंट पढ़ेंगे, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ऐबक ने मलिक वो सिपह सलाह की उपाधि धारण की थी। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई, जिसे हम पोलो बोलते हैं। उस समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली को बनाया तथा तुर्क ए चहलगामी नामक संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल नामक सिक्का चलवाया था, न्याय का घंटा लगवाया था, साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। ख्वारिज
के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण न देकर इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खां मंगोल आक्रमण के आक्रमण से बचाया था। रजिया सुल्तान 1240 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम शासिका बन गई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा काबा एवं कुलाह टोपी पहनना शुरू कर दिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया तथा जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया था। अस्तबल का प्रमुख 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या डाकुओं ने कैथल के पास कर दी थी। रजिया के बाद बहराम शाह शासक हुआ। उसने नायाब ए मामलिकात का पद सृजन किया तथा एख्तियारुद्दीन ए तिगीन को उस पद पर नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन 1266 ईस्वी में ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना। यह तुर्क चहल गानी का सदस्य रहा था। बलबन ने जिल्ले इलाही एवं नियावते खुदाई की उपाधि धारण की तथा राज दरबार में सजदा एवं पैबोश की प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इसने पारसी त्यौहार नवरोज की को मानना आरंभ किया। बलबन दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। इसके दरबार में अमीर खुसरू तथा अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शामसुद्दीन कैमूश था। गुलाम वंश के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा हमें पढ़ना है बहराम शाह उस जो रजिया के बाद आया, उसके बाद पढ़ना है बलबन और अंतिम शासक रहा शमसुद्दीन कैमूश। नेक्स्ट पढ़ेंगे खिलजी वंश। इसका शासनकाल रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की तथा किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 ईस्वी में सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली तथा गुरशाप्पे था। इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह को पराजित किया। रानी पद्मावती के जौहर की कथा यहीं से जुड़ी हुई है। राणा रतन सिंह याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में अस्थाई सेना का गठन, नगद वेतन तथा दाग एवं होलिया प्रणाली लागू किया। इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग 50% कर दिया। साथ ही खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। इसने सिकंदर ऐशानी की उपाधि धारण की थी। मालिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण के अभियान पर भेजा था। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था शुरू की थी। बंगाल अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी की महल में दबकर हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी के नाम से सुल्तान बना। दिल्ली के सुल्तानों में वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का
मुद्रा का प्रचलन, खुराशान अभियान और काराचील अभियान। इबन बतूता जो मोरक्को यात्री हैं, ने रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं का वर्णन किया है। इबन बतूता रेहला पुस्तक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। इसने दुआब में भूमि कर के रूप में 50% कर वसूला। इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक 1351 से 88 ईस्वी तक सुल्तान बना। इसने 2 बार पहला थट्टा, दूसरा दिल्ली अपना राज्याभिषेक करवाया था। फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया तथा जकाता नामक कर को लागू किया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था तथा ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। इसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक लगभग 1,80,000 थी। दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदरगान की स्थापना की गई। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित अर्धा एवं विख नामक भारी सिक्का चलाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। उसके शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। खिरज खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। उसने रयत ए आला की उपाधि धारण की। यह तैमूर का सेनापति था। खिरज खां की मृत्यु 1421 ईस्वी के बाद उसका पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि के साथ सुल्तान बना। खिरज खां की मृत्यु हो गई 1451 में और उसके बाद उसका पुत्र मुबारक खां जो था वो सुल्तान बना शाह की उपाधि के साथ। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद यमुना के किनारे नामक नगर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोदी 1451 से 89 ईस्वी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली में प्रथम अफगान राज्यों की शुरुआत हुई। बहलोल लोदी ने बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। मैनद ए अली की उपाधि धारण की। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के लाभ से सुल्तान बना। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। उसने मापन का नया पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। इसके शासनकाल में फर हंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ तथा लज्जत सिकंदरी गान विद्या से संबंधित नामक पुस्तक की रचना हुई। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी के में हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य 1517 से 18 ईस्वी में घटौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम पराजित हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव रखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत हो गई थी और इब्राहिम लोदी की हार। उसके बाद ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता तथा सभी धर्मों की समानता की बात कही गई। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं।
भक्ति आंदोलन के विभिन्न प्रेरणेता को निम्नलिखित रूप से में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत में शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्तांत किया तथा चार पीठों की स्थापना की। उत्तर भारत में रामानंद, ये रामानुज के शिष्य थे। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। कबीर, धन्ना, रैदास, सेन आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्टताद्वैत नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। कबीर, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बीजक, साखी, सबद, रेखताल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने ईश्वर के निराकार एवं निर्गुण रूप की आराधना की। निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसका संबंध सनक संप्रदाय से था। गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। अब हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में जाना जाता है। इसके आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर तथा शिष्य को मुरीद कहते हैं। सूफी मत में प्रत्येक पीर अपना एक अनुचर नामांकित करता था जिसे वली कहा जाता था। सूफियों के आश्रम को खानकाह कहलाते थे। सूफी मत से संबंधित प्रमुख सिलसिलों का वर्णन निम्नलिखित है। कौन कौन? चिश्ती समुदाय, सुहरावर्दी समुदाय। तो चिश्ती समुदाय के प्रवर्तक मुइनुद्दीन चिश्ती थे। मुख्य बातें हैं, इसका मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। बाबा फरीद प्रमुख संत थे। निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 ईस्वी को महमूद इलाही कहा। सुहरावर्दी के प्रवर्तक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं। इसका मुख्यालय मुल्तान था। बहाउद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरीजी, हमीदुद्दीन नगोरी प्रमुख संत थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने सेल उल इस्लाम की उपाधि दी थी। फिरदौसी बदरुद्दीन के प्रवर्तक थे। मुख्य केंद्र बिहार था। इसे शरीफुद्दीन चाहया ने लोकप्रिय बनाया। नक्शबक्शी ख्वाजा बाकी बिल्ला के प्रवर्तक थे। शेख अहमद सर हिंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से 1336 ईस्वी में की थी। इस शहर को हम्पी नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश, सालुक्य वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश। तो संगम वंश, हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। बुक्का प्रथम से वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। निकोलो कांटी इटली देवराय के दरबार में आया था। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। नरसिंह सालू चंद्रगिरी का जागीरदार था। कुछ इतिहासकारों ने उसे सिंहासन का अपहर्ता कहा। 1490 ईस्वी में नरसिंह सालू की मृत्यु हो गई। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय ने इस वंश का सबसे महान शासक था। बाबर ने अपने आत्मकथा तुजू के बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। डोमिगो पायस पुर्तगाल इसके शासनकाल में आया था। अरविंदु वंश 1570 ईस्वी में तिरुमल ने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अरविंदु वंश की स्थापना की। वेंकट द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। 1598 ईस्वी में उसने ईसाई पादरियों का अपने दरबार में स्वागत किया था। अरविंदु वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रही, लेकिन विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी।
आज का लास्ट टॉपिक है बहमनी साम्राज्य, और मध्यकालीन भारत का भी ये लास्ट टॉपिक है। सॉरी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। सियाबुद्दीन अहमद 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक न्याय तथा धर्मनिष्ठा के कारण संत या वली कहलाता था। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को अपनी क्रूरता के कारण जालिम तथा आदर्श के कारण दक्कन का नीरो कहा जाता है। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 83 ईस्वी के शासनकाल में रूसी यानी निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। 1538 ईस्वी में बहमनी शासक कली मुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 मुस्लिम राज्यों में विभक्त हो गया, जो निम्नलिखित है। अहमदनगर की राजधानी अहमदनगर, संस्थापक मलिक अहमद, बराड़ की राजधानी एलिचपुर, संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, बीजापुर की राजधानी नौरसपुर, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा, संस्थापक कुली कुतुब शाह, बीदर की राजधानी बीदर, संस्थापक अमीर अली वरीद। ये आज का टॉपिक रहा मध्यकालीन भारत, जिसमें हम लोगों ने सल्तनत काल, भक्ति आंदोलन और ये सारी चीज़ें पढ़ी, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें सल्तनत काल है, इसे एक दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।